जो बच्चे आईएएस नहीं बन पाते वो बच्चे या कैंडिडेट्स एक एग्जाम देते हैं जिसका नाम है आरबीआई ग्रेड बी। यस दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम माना जाता है एक बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, इस एग्जाम की जो कम मतलब वो है वैलिडिटी वो आईएएस से कम तो होगी क्योंकि आईएएस बहुत बड़ा एग्जाम है, लेकिन इसको भी इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत फ्रूटफुल वैकेंसी है। तो 8 सितंबर को ये पेपर है अब फाइनली, ये काफी लेट फॉर्म आए थे इसके, और 8 सितंबर को इसका एग्जाम होने वाला है पहले वाला। फिर दूसरा एग्जाम इसका अक्टूबर में होगा, फिर इंटरव्यू होंगे, फिर फाइनल वैकेंसी भरी जाएगी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि 8 सितंबर को एग्जाम है तो तैयारी जवा करिए जिन्होंने फॉर्म भर रखा है। इस बार वैकेंसी कम है, केवल 94 वैकेंसी है टोटल 66 ग्रेड बी में। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि इस बार का पेपर हार्ड आएगा काफी, जो मैं जितना मैं इसको मैंने स्टडी किया है, तो ग्रेड बी के जो तैयारी कर रहे हैं लोग वो अपने डेटा इंटरप्रिटेशन DI, मैथमेटिकल स्किल्स और कैलकुलेशन स्किल्स को बहुत फास्ट करें, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे इस बार जो आपको सोल्व करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, एकदम सोल्व नहीं होंगे। तो जो लोग कैलकुलेशन स्लो करते हैं उनको इस पेपर में खासी दिक्कत होने वाली है। तो मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है आप बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तो इसमें मतलब एज लिमिट निकल चुकी है तो मैं इसका फॉर्म नहीं भर सकता, मुझे बाद में पता चला, पहले मैं पता नहीं था। लेकिन जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं और जो आईएएस नहीं बन पाए हैं, जो अभी एक ऑफिसर रैंक की जॉब लेना चाहते हैं, कूल जॉब जिसमें सैलरी तकड़ी, रहने के लिए बेहतरीन फ्लैट या घर दिए जाते हैं और आप A-tier सिटी में रहते हो, मतलब आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर कभी भी छोटे शहरों में नहीं रहते, इनके हेडक्वार्टर ही छोटे शहरों में नहीं है, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, और इसमें मजे ही मजे हैं, मतलब सैलरी लाखों में मजे ही मजे, आप रहोगे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में मजे ही मजे, पब्लिक डीलिंग बिल्कुल नहीं, मजे ही मजे, आप कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ ही बात करोगे मजे ही मजे, और अगर सिलेक्शन हो गया तो मजे ही मजे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन मैथमेटिकल स्किल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीजनिंग पर काम करें। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए।